हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर ए। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक नोट पेपर मिल इंडिया के बारे में। इसके तरफ से 2024 का नया नोटिफिकेशन आया हुआ, बेसिकली ये जो है SPM CIL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लस BRBN MPL जो कि RBI की सब्सिडरी है, इसके ज्वाइंट वेंचर से ये कंपनी बनी हुई है, इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैसूरू कर्नाटका में है। सो इसमें प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें डिसिप्लिन वाइज देख सकते हैं, मैकेनिकल 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल 4, इलेक्ट्रॉनिक्स 5, केमिकल 6, पल्प एंड पेपर 6, सिविल 2, केमिस्ट्री 2, अकाउंट असिस्टेंट 2 एंड ऑफिस असिस्टेंट 2, ऐसे टोटल 39 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ, 5 जून 2024 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 30 जून 2024 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। सो इनमें काफी सारे पोस्ट में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो जिन पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है मैं उनको ही डिस्कस यहाँ पे करूंगा, बाकी पोस्ट के लिए आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला पोस्ट है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्निकल में, पल्प एंड पेपर डिसिप्लिन में 6 पोस्ट का वैकेंसी है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, 18 से 28 साल इसमें एज लिमिट दिया गया है, बाकी 30 जून 2024 से यहाँ पे एज कैलकुलेट हो। इसमें आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, 3 साल का डिप्लोमा होना, 60% मार्क्स इन पेपर एंड पल्प टेक्नोलॉजी या फिर वुड एंड पेपर टेक्नोलॉजी, अप्लाई कर सकते, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगला है केमिस्ट्री, 2 पोस्ट का वैकेंसी है, 18 से 28 साल एज लिमिट दिया गया है, BSc केमिस्ट्री होना 60% मार्क्स के साथ, अप्लाई कर सकते, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। देन अकाउंट असिस्टेंट 2 पोस्ट का वैकेंसी है, 18 से 28 साल एज लिमिट दिया गया है, बीकॉम होना 60% मार्क्स के साथ, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एंड ऑफिस असिस्टेंट 2 पोस्ट का वैकेंसी है, 18 से 28 साल एज लिमिट है, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, 60% मार्क्स होना, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। सो ध्यान दीजिएगा, आप किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जो भी डिसिप्लिन दिया गया है उनमें से किसी एक ही डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिस्टेंस वाला ग्रेजुएशन अलाउ नहीं है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, SC/ST पास आउट, OBC 3 साल। जो SC/ST कैंडिडेट है उनको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसे कि 60% है ना, तो SC/ST कैंडिडेट को 55% मार्क्स लगेंगे। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूँ, SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 200 रूपए एप्लीकेशन फी है, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 600 रूपए एप्लीकेशन फी है। बाकी सैलरी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम बेसिक पे जो है 24,500 रहेगा, इसमें अगर आप सारे के सारे अलाउंसेस मिलाओगे तो आपका जो है अप्रोक्सीमेटली ग्रॉस सैलरी 50,000 प्लस यहाँ पे हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, सिंगल एग्जाम होने वाला है, IBPS का एग्जाम लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेक्निकल पोस्ट, इसमें पार्ट ए पार्ट बी होगा, पार्ट ए में जो है रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, 80 मिनट का आपको समय मिलेगा। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन जो टेक्निकल नॉलेज के होंगे या प्रोफेशनल नॉलेज के होंगे, 40 मिनट का आपको यहाँ पे समय मिलेगा। जितने भी नॉन टेक्निकल पोस्ट जैसे कि अकाउंट असिस्टेंट, इसमें भी सेम पैटर्न होगा, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए में भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सेम सब्जेक्ट रहेंगे, 80 मिनट का समय मिलेगा। पार्ट बी में आपका अकाउंटिंग नॉर्म्स पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 40 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। उसके बाद नॉन टेक्निकल पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट, इसमें देख सकते हैं पार्ट ए पार्ट बी होगा, लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 80 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ओनली इंग्लिश मीडियम में पेपर होगा। पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, ठीक है, जिसके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के लिए और 40 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ऐसे टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 120 मिनट का समय दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात है इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मिनिमम कट ऑफ दिया गया है, इतने मार्क्स आपको लाना होगा अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो। इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है, कोई मेंस का एग्जाम भी नहीं है, एक ही सिंगल एग्जाम है बस। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं बेंगलुरु एंड मैसूरू में आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ओके, तो यही पे जाके आपको अपना एग्जाम देना होगा। बाकी IBPS का एग्जाम लेने वाला है तो ये वाला हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा। तो ये था पूरी डिटेल जानकारी, अप्लाई लिंक एक्टिवेट हो चुका है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।